नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आइए 10 मार्च 2020 के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। लेकिन आज होली का त्यौहार है तो सबसे पहले आज आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस दिन खूब अच्छे से रंग खेलिएगा, खूब खाइएगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि थोड़ा बहुत पढ़ाई भी आज कर लें। तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा 9वां सारक्स 2020 अभ्यास यानी कि सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका आयोजन किया गया गोवा में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यह जो अभ्यास है प्रत्येक 2 वर्षों पर आयोजित किया जाता है नेशनल मेरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू बोर्ड के द्वारा। तो 2003 में पहली बार ये आयोजित किया गया था और इस वर्ष की इसकी थीम रही है हार्मोनाइजेशन ऑफ मेरीटाइम एंड एरोनॉटिकल सर्च एंड रेस्क्यू। और जो हमारे वर्तमान में रक्षा सचिव हैं अजय कुमार जी, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कुछ अन्य अभ्यास भी आपको याद रखने हैं, जैसे कि एक हुआ था मातला अभ्यास जिसका आयोजन किया गया था कोलकाता में। एक था महानेवी कनेक्ट। महानेवी कनेक्ट का आयोजन कहां पर हुआ था, तो ये आयोजित किया गया था महाराष्ट्र में। और भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख कौन है, के नटराजन। कौन? कृष्णमूर्ति नटराजन इसके प्रमुख हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये पुरस्कार मिला है 15 लोगों को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था और इसी अवसर पर राष्ट्रपति भवन में इन 15 महिलाओं को सम्मानित किया गया। इनमें से कुछ के नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि 103 वर्ष की एक एथलीट हैं भान कौर जी, इनको ये पुरस्कार मिला। IAF की महिला पायलट मोहना सिंह, भावना कंठ और अवनी चतुर्वेदी को ये पुरस्कार मिला। शास्त्रीय गायिका कौशिकी चक्रवर्ती को पुरस्कार मिला। कार्तिनी अम्मा का नाम आपने सुना होगा जिन्होंने साक्षरता परीक्षा को टॉप किया था, इन्हें ये पुरस्कार मिला। और 2 जुड़वा पर्वतारोही हैं तासी और नुक्सी मलिक, इन्हें भी ये पुरस्कार दिया गया। तो ये आप सारे विजेताओं को देख सकते हैं। केंद्रीय कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय ने किस शहर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत की गई है IIM बेंगलुरु में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और इसका उद्घाटन किया कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उत्तर प्रदेश का चंदौली। अब ये योजना है क्या, तो इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, कर्नाटक और मेघालय के 75 जिलों से जो छात्र ग्रेजुएट हैं यानी कि स्नातक छात्रों का चुनाव किया जाएगा और इनमें से 75 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा और इन 75 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी 2 वर्षों तक। किस लिए? जिससे वे जिला कौशल योजना को बेहतर ढंग से तैयार कर सकें। तो ये आपको याद रखना है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि यह वीडियो दूसरों के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करिए। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन बने, तो 2 लोगों ने यहाँ पर क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक के लिए। एक है पूजा रानी, दूसरे हैं विकास कृष्णन यादव। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दरअसल अभी एक प्रतियोगिता चल रही है जिसका नाम है महाद्वीपीय क्वालिफायर और ये खेला जा रहा है जॉर्डन की राजधानी अम्मान में। तो इस क्वालिफायर प्रतियोगिता में ये दोनों खिलाड़ी सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं और इसी के साथ इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पूजा रानी, इन्होंने 75 किलोग्राम वर्ग में क्वालिफाई किया और विकास कृष्णन यादव की बात करें तो इन्होंने 69 किलोग्राम वर्ग में क्वालिफाई किया है और ये दोनों खिलाड़ी हैं हरियाणा से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूजा रानी को और ये हैं विकास कृष्णन यादव। भारत सरकार ने किस महारत्न कंपनी में अपनी संपूर्ण हिस्सेदारी बेचने के लिए बोली आमंत्रित की है, तो यहाँ पर इनके द्वारा बेचा जाएगा भारत पेट्रोलियम को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं भारत पेट्रोलियम की, तो इसमें वर्तमान में सरकार की कुल हिस्सेदारी है 52.98%। इसे हम डिस इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं और सरकार ने 2 मई तक के लिए बोली को आमंत्रित किया है, यानी कि 2 मई तक बोली लगा सकते हैं लोग। BPCL की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी 2 रिफाइनरियों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है जो कि है मुंबई और कोची में। इस कंपनी की स्थापना 1950 में हुई थी, मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में और इसके अध्यक्ष और MD हैं DRAJKUMAR। साथ ही साथ एयर इंडिया को भी सरकार बेचेगी, यानी कि इसमें भी अपने 100% हिस्सेदारी को सरकार बेचेगी। वसीम जाफर ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित हैं, तो वसीम जाफर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक महान क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं।
इसीलिए ये संबंधित हैं क्रिकेट से। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो अभी हाल ही में इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। और अगर हम लोग बात करते हैं भारत में जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला जाता है रणजी ट्रॉफी, तो रणजी ट्रॉफी में इन्होंने रिकॉर्ड 150 मैच खेले हैं। इसके अलावा 12,000 रन बनाने वाले ये इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं रणजी ट्रॉफी में। और इनका राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। दो खिलाड़ियों के नाम आपको और याद रखने हैं क्रिकेट से संबंधित, एक तो है प्रज्ञान ओझा उड़ीसा के, इन्होंने संन्यास लिया है, और एक है इरफान पठान। और एक विश्व की महानतम टेनिस खिलाड़ियों में से एक मारिया शारापोवा जो कि रूस की खिलाड़ी थी, इन्होंने भी संन्यास की घोषणा की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वसीम जाफर को। ICC महिला T20 विश्व कप 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। तो यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब क्रिकेट से संबंधित कुछ विश्व कप के बारे में आपको बता देना चाहता हूं। जैसे कि पिछले साल 2019 में पुरुषों का विश्व कप जो है 50 ओवर वाला, वो आयोजित किया गया था इंग्लैंड और वेल्स में, और उसे जीता था इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने। फिर अभी हुआ है T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में, जिसे जीता ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा करके। एक अंडर-19 विश्व कप हुआ है इसी वर्ष जो कि आयोजित किया गया दक्षिण अफ्रीका में, और इसे जीता बांग्लादेश ने, और उसमें उप विजेता रही है भारत की टीम। इसके अलावा आगामी कुछ विश्व कप के बारे में आपको याद रखना है। ICC महिला T20 विश्व कप 2022 आयोजित होगा दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन जो ICC के द्वारा पुरुषों का T20 विश्व कप होगा 2021 में, ये आयोजित किया जाएगा भारत में। इसके अलावा ICC पुरुष विश्व कप 2023 वाला, ये भी आयोजित होगा भारत में। लेकिन अगर ICC महिला विश्व कप की हम बात करते हैं जो कि अगले वर्ष आयोजित किया जाएगा, इसका आयोजन होगा न्यूजीलैंड में। ICC की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय है UAE के शहर दुबई में। अध्यक्ष इसके हैं शशांक मनोहर और CEO इसके हैं मनु साहनी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिण अफ्रीका देश को, राजधानियाँ यहाँ की तीन हैं, एक तो है केप टाउन, उसके अलावा ब्लोमफोंटेन है, और फिर एक राजधानी है प्रिटोरिया। दो देश इसके अंदर आपको मिलेंगे, एक तो है लेसोथो और दूसरी है ईस्वातिनी। श्री रामाफोसा यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और मुद्रा क्या है वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बतानी है। प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान व मूल्यांकन परिषद, यहाँ पर बात हो रही है टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन फोरकास्ट असेसमेंट काउंसिल की। तो इसके द्वारा किस नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया? तो इन्होंने प्रोग्राम को लॉन्च किया है जिसका नाम है विज्ञान ज्योति। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब ये प्रोग्राम लॉन्च क्यों किया गया? कुछ समय पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टेम के ऊपर एक सम्मेलन के बारे में जो कि आयोजित किया गया था, कहाँ पर? दिल्ली में। तो यहाँ पर ये जो विज्ञान ज्योति कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत स्टेम की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाएगा। स्टेम का मतलब है विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित, यानी कि जो महिलाओं की भागीदारी है उसको इन सारे विषयों में बढ़ाना है। और जिन महिलाओं का चयन इसके अंतर्गत किया जाएगा उन्हें NIT, IIT और जो अन्य वैज्ञानिक संस्थान हैं उसके विज्ञान शिविरों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। और अगर हम लोग बात करते हैं टाइफैक की, तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक संस्थान है। वर्तमान में जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत में कुल मिलाकर के महिलाओं की भागीदारी इन क्षेत्रों में है 24%। तीसरे हॉकी इंडिया वार्षिक अवार्ड में किसे पुरुष वर्ग में ध्रुव बत्रा प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है मनप्रीत सिंह को जो कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। वहीं पर अगर हम लोग महिला वर्ग की बात करते हैं तो इसमें हरियाणा की रानी रामपाल को प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। मनप्रीत सिंह की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये पंजाब के खिलाड़ी रहे हैं। और 1952 में जो ओलंपिक खेल हुआ था उसमें हरविंदर सिंह ने जीता था स्वर्ण पदक हॉकी टीम के लिए। तो इन्हें मेजर ध्यानचंद आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मनप्रीत सिंह को और रानी रामपाल को। कुछ अन्य अवार्ड इस वर्ष दिए गए हैं हॉकी में जिनके बारे में आपको याद रखना है, जैसे कि रानी रामपाल वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 चुनी गई। विवेक सागर प्रसाद को राइजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुषों के लिए चुना गया इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा, फुटबॉल नहीं हॉकी फेडरेशन के द्वारा। लाल रेमसी यामी, इन्हें राइजिंग वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। मनप्रीत सिंह की बात करें तो ये FIS के द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर रहे 2019 के लिए। वहीं पर नीदरलैंड की जो इवा दी गोदे हैं ये FIS द्वारा वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 रही हैं। पेट्रोलियम उत्पाद निर्यातक देशों का संघ यानी कि बात हो रही है ओपेक की,
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब ये चर्चा में क्यों है? मुख्य रूप से अगर हम लोग ओपेक की बात करते हैं तो ये जो दुनिया के 14 तेल उत्पादक देश हैं उनका एक समूह है। तो इन लोगों के द्वारा तेल का उत्पादन किस प्रकार से करना है वो निर्धारित किया जाता था। तो अभी सऊदी अरब और रूस के बीच में कच्चे तेल के उत्पादन को लेकर के विवाद हो गया, जिससे सऊदी अरब ने जो कच्चे तेल के दाम है उसको 30% तक कम कर दिया। तो ये इस समय $50 के भी नीचे आ चुका है और इस घटे हुए कच्चे तेल के दामों से रूस को नुकसान होगा एक दिन में $100 मिलियन का। तो इसीलिए यह एक बार फिर से न्यूज में है। तो ध्यान रखना है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका मुख्यालय है, जहां पर आपको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन का भी मुख्यालय मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं ओपेक के देशों को, ईरान है, कुवैत है, कतर है, यूएई है, सऊदी अरबिया है, इराक, लीबिया, अल्जीरिया, और इनमें से दो देशों के नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है, एक तो है वेनेजुएला और एक कतर, ये दोनों इस समूह को छोड़ेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कितने देशों में अपनी लॉजिस्टिक बेस की स्थापना करेगा? तो इनके द्वारा कुल 4 देशों में लॉजिस्टिक्स बेस की स्थापना की जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देश कौन कौन से हैं? तो श्रीलंका है, मलेशिया है, इंडोनेशिया और वियतनाम है। अब होगा क्या? तो ये जो लॉजिस्टिक बेस है यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा अपने बनाए गए जो सैन्य हेलीकॉप्टर हैं और तेजस विमान को रखा जाएगा, जिससे इन देशों को इन विमानों को खरीदने के लिए आकर्षित किया जा सके। स्थापना इसकी हुई थी 1940 में। मुख्यालय है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में और इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आर माधवन। और ध्यान रखिएगा, भारत सरकार ने 83 तेजस विमान के लिए समझौता किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में 39,000 करोड़ रुपए में। किस बैंक ने एस बैंक में 49% शेयर यानी कि 2450 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आरबीआई के द्वारा नियंत्रण स्थापित किया जा चुका है। किसके ऊपर? एस बैंक के ऊपर। 3 अप्रैल 2020 तक के लिए यानी कि 3 अप्रैल 2020 तक यह आरबीआई की निगरानी में रहेगा। आरबीआई के द्वारा जो भी इसके कस्टमर हैं उनके लिए जो धन निकासी की लिमिट रखी गई है वह है 50,000 रुपये पर मंथ। और यहाँ पर एक स्कीम भी शुरू की गई है इसके पुनर्गठन के लिए, जिसका नाम है एस बैंक रिकंस्ट्रक्शन स्कीम 2020। एस बैंक की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना 2004 में की गई थी राणा कपूर के द्वारा। मुख्यालय इसका है मुंबई में। एमडी और सीईओ इसके हैं रवनीत गिल, लेकिन आपको याद रखना है प्रशासक का नाम जिसे नियुक्त किया गया है आरबीआई के द्वारा, ये है प्रशांत कुमार। किस राज्य की सरकार द्वारा नई राहें नई मंजिलें योजना की घोषणा की गई? तो इसकी घोषणा की है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा 2020-21 के लिए बजट को पेश किया गया और उसमें इन्होंने नई राहें नई मंजिलें योजना की घोषणा की है। अब ये योजना है क्या? तो इसके अंतर्गत जो राज्य के पिछड़े हुए स्थान हैं उनको पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित किया जाएगा और 150 करोड़ रुपये इसके लिए आवंटित किए गए हैं। साथ ही साथ जो भी राज्य के स्टार्टअप हैं यानी कि नए उद्यम हैं उनको बढ़ावा देने के लिए हिम स्टार्टअप योजना की भी घोषणा की गई है। और ये भी आपको याद रखना है कि इस बजट के अंतर्गत जो भी ट्यूबरकुलोसिस के मरीज हैं उनको 1500 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता हिमाचल प्रदेश के सरकार के द्वारा दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर आप लोकेशन इसकी देख सकते हैं। राजधानियाँ यहाँ की दो हैं, एक तो है गर्मियों के लिए शिमला और सर्दियों के लिए है धर्मशाला। राज्यपाल यहाँ के हैं बंदारू दत्तात्रेय। और अगर मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो ये है जयराम ठाकुर, इनकी पार्टी है बीजेपी। किस राज्य की सरकार द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की घोषणा की गई? तो इसकी घोषणा की है महाराष्ट्र की सरकार ने। तो यहां पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। महाराष्ट्र के जो वित्त मंत्री हैं और डिप्टी सीएम हैं अजीत पवार एनसीपी के, इनके द्वारा 2020-21 के लिए बजट की घोषणा की गई। और इस योजना में यानी कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में जो भी शिक्षित बेरोजगार हैं राज्य के उन्हें नए उद्योगों में ट्रेनिंग दिया जाएगा और इसके अलावा 1,00,000 नई औद्योगिक यूनिट की भी स्थापना की जाएगी। एक अन्य योजना है जिसके बारे में आपको याद रखना है, महात्मा ज्योतिराव फुले योजना। इसके अंतर्गत जिन किसानों ने 2,00,000 तक का ऋण लिया है उनका ऋण माफ किया जाएगा सरकार के द्वारा।
और इन्होंने जल और मृदा संरक्षण के लिए सीएम वाटर कंजर्वेशन स्कीम की भी घोषणा की है। महाराष्ट्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये लोकेशन आप देख सकते हैं। राजधानियां यहाँ की भी दो हैं, गर्मियों में है मुंबई, सर्दियों में यहाँ की राजधानी होती है नागपुर। राज्यपाल यहाँ के हैं भगत सिंह कोश्यारी और उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम हैं। लोकसभा में 48, राज्यसभा में 19, विधानसभा में 288 और विधान परिषद में 78 सीटें हैं। और इनकी पार्टी है शिवसेना। शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के का यहाँ पर गठबंधन है। पूर्व कानून मंत्री, इनका नाम है हंस राज भारद्वाज, तो इनका अब निधन हो गया है। ये किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो अगर हम लोग बात करते हैं हंस राज भारद्वाज की, तो ये पूर्व राज्यपाल थे कर्नाटक के, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके अलावा ये राजीव गांधी की सरकार में सीएम भी, सीएम नहीं कानून मंत्री भी रह चुके हैं और कर्नाटक के राज्यपाल के अपॉइंट हुए थे 2009 में, तो अब इनका निधन हो चुका है और 14 वर्षों तक ये कानून मंत्री रहे थे। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, नोकिया कंपनी के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने? स्वाति रडार भारत किस देश को बेचेगा? एकम उत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, आयोजन किया गया था दिल्ली में? विश्व उत्पादकता कांग्रेस इसका विषय क्या रहा और आयोजन कहां पर हुआ? और स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार किसे मिला? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं कमेंट सेक्शन में। तो एक बार फिर से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।